पाकिस्तानी बिग बॉस वर्सेस इंडियन बिग बॉस। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तानी बिग बॉस। हम लोग जितना एग्जाम में कॉपी नहीं कर पाते उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान इंडिया का कॉपी कर लेता है। चल झूठा। आपको याद होगा पाकिस्तानी रोडीज, जिसमें वकार जकार नाम का एक मानव था जो चैंपियंस के नाम से शो चलाता था, उसके बाद पाकिस्तानी आइडल, और अब पाकिस्तानी बिग बॉस जो तमाशा के नाम से खोला गया है। क्या बात कर रहे हैं? और पाकिस्तानी बिग बॉस और इंडियन बिग बॉस में बस एक ही अंतर है, इंडियन बिग बॉस में सेलिब्रिटी लोग आते थे और पाकिस्तानी बिग बॉस में सिर्फ लोग आते हैं, लोग। मजाक है क्या? तो अब बात करते हैं इनके कंटेस्टेंट के ऊपर। तो इनसे मिलिए उमर आलम। ये कंटेस्टेंट कम और क्राइम पेट्रोल का दस्तक ज्यादा लग रहा है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है और इतना ओवर एक्टिंग तो हम ज्यादा ओवर एक्टिंग में भी नहीं देखे हैं। मगर क्यों? अब दूसरा कंटेस्टेंट माहिरा खान। ये रियलिटी शो चला रहा है या फिर ओवर एक्टिंग शो, और सबको एक ही स्क्रिप्ट थमा दिया है। जो भी आ रहा है वो मिरर के सामने खड़ा होकर खुद पे हंस के ही जा रहा है। कम से कम हंसने का काम तो मुझ पे छोड़ दो। क्यों नहीं? अगले कंटेस्टेंट है निगाह जी। ये क्या बार डांसर को उठाकर ले आया है क्या? जैसा काम वैसा नाम, निगाह जी। अरे हटाओ जी। फिजा खान। फिर वही है स्क्रिप्ट, वही मिरर, वही ओवर एक्टिंग। अरे कुछ तो बदलो। अमना मलिक। वैसे एक्टिंग सही है गिटार का, वो भी सोच रहा होगा किसके हाथ में आ गए हैं। जल्दी वहां से हटो। एंड नेक्स्ट हुमायरा। इस शो में कब से लेने लगे? ये तमाशा का कम और टीवी न्यूज का ऑडिशन ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है। चलो अब कंटेस्टेंट को दिखाना बंद करते, नहीं तो पता चला मेरा वीडियो में दिखता ही रहेगा। कंटेस्टेंट तुमने दिया, मैं खड़ी थी वहां पे। तुमने दिया धक्का मुझे। इनसे मिलिए, ये है सस्ता डॉली बिंद्रा जो लोगों के उड़ा दे रातों की निंद्रा। शट अप, अब एक लफ्ज नहीं आगे आगे आना चाहिए, सुने? दांत टूट गया, दांत टूट गया मायरा का। ये देखो इसे क्या किया। लोगों के चिल्लाने से कान कमजोर हो जाता है, लेकिन ये दांत कमजोर मैंने पहली बार देखा है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ड्रामाबाजी बाहर से आई है, ड्रामा कर रही है, ड्रामे ड्रामा भी रखे ये ले। ये चाचा जी बोल रहे हैं कि इनको ड्रामेबाजी बाहर चाहिए। इनको कोई बताओ कि ड्रामेबाजी अगर बाहर ही चाहिए होता तो आप घर के अंदर नहीं रहते। आप लोगों को ड्रामेबाजी के लिए ही अंदर रखा गया है। बेटी 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 बोलते हो। कोई नहीं है मेरी बेटी। आप तुम कोई इस काबिल नहीं हो। इन्होंने बोला तुम मेरी बेटी बनने के लायक नहीं हो। क्यों? बेटी बनने के लिए ऑडिशन चलता है क्या? ठीक है, तेरे को जाना है तो जा। मैं क्या कहा, अरेस्ट करा दूंगा। इसका मतलब ये कि इंसान कोई आगे हो जाता है तो पीछे हो जाता है। एक मिनट में अरेस्ट करा दूंगा, अपनी औकात पे आए तो। अच्छा चाचा, अपनी औकात पे आएंगे तो अरेस्ट करवा देंगे, अभी किसी दूसरे के औकात पे है। ये चाचा अपने रियल लाइफ में 30 साल से कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन इनको देख कैसा लगता है कि इनका कॉमेडी भी ऐसे ही होगा। अरेस्ट करवा देंगे। तो इस सस्ते से बिग बॉस को होस्ट करते हैं अदनान भाई, जो अपनी लाइफ को भी कभी होस्टिंग नहीं कर पाए। मैंने 31 साल दिए इस इंडस्ट्री को, और अल्लाह ने चाहा तो और भी दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग को अंदाजा नहीं है कि मेरी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, मैं बड़ा अपसेट हूँ। ट्रोलिंग क्यों हो रही है सर? कहीं आपने एल्विस के खिलाफ तो कुछ बोल तो नहीं दिया? क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखो दोस्तों, इस शो का जितना प्राइस मनी है ना, उतना बिग बॉस का एक दिन का राशन आ जाता है। और इसका तुम घर देखो, जितना बड़ा इसका घर है उतना एरिया में तो हमारे बिग बॉस का एक्टिविटी एरिया है। खैर छोड़ो, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये बाहर वाले लोग मुझे बहुत परेशान कर दिए, कभी बाइक जा रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी छोड़ो यार, लाइक कर देना।